हेलो। हेलो हाँ जी सर, हेलो, हम सुन सकते हैं आपको। ओ कैन यू हियर मी? यस सर। समवन स्पीकिंग दिस इज राइट। सर आप कंटिन्यू करें। ओके, अच्छा, सबको प्रणाम करता हूँ, स्पेशली खमा घनी फॉर द राजस्थान व्यूअर्स। ये आज की ये मुलाकात बहुत अजीब है। आज से 32 ईयर्स पहले हमारा ये आज के आचार्य कुलम के मुख्य भूमिका ले रहे हैं हमारे रजिब आचार्य जी और उनका बेटी ने, उन्होंने बहुत दिन के बाद मणिपुरी परफॉर्मिंग आर्ट्स के संबंध में कुछ बोलने के लिए आज के ये सुयोग दिया, मौका दिया। इसको मैं पहले आचार्य कुलम के सभी कार्यकारों और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और सबको इसका एक भविष्य में भी ऐसे भालो। ये अभी सबने मालूम है पेंडामिक, COVID-19 पेंडामिक में सबके पास बहुत सिवरली डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान है, पढ़ाई के क्षेत्र में, ये बिजनेस के क्षेत्र में, सब कुछ क्षेत्र में बहुत परेशान है। इसी समय आज के मूल्य मुझे को इसमें कुछ मणिपुरी कल्चर के बारे में कुछ बोलने के लिए परफॉर्मेंस के कुछ मौका दिया। इसके आचार्य कुलम के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में भी और इसे शुभकामना और करने के लिए मैं कामना पूरी। और आज के इस सिचुएशन में, इस हालत में मेरे तरफ से सब लोगों के ये पार्टिसिपेंट है, ये झूम के माध्यम से भाग ले रहे हैं, उनके पास में मेरे ही प्रेजेंटेशन इस प्रदर्शन में कुछ उसको लाभ मिला। छात्रों साथी, खास करके नए युवक जो है, छात्र साथियों के कला प्रेमी भर के अंदर में मणिपुरी संस्कृति के बारे में कुछ लाभ मिल जाता तो मेरा आज का ये रजिब जी और ये आचार्य कुलम का आज के ये मेहनत ये बहुत सफल हो गया, मैं सोच लूंगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर मालूम है आप लोगों ने, मणिपुर भारत का उत्तर पूर्व में रहते हैं, एक छोटा सा देश है। उसका पूर्व दिगंत म्यांमार और साउथ में भी म्यांमार और ये बर्मा, अभी म्यांमार बोल, पहले इसको बर्मा कहते थे। म्यांमार साउथ और ईस्ट में म्यांमार है और उसका नॉर्थ में नागालैंड असम है और उसका पूर्व में सॉरी वेस्ट में मिजोरम मिजोरम है। तो इसकी छोटा देश का कल्चर जो है बहुत धन्य है, बहुत धनी है। इसमें कहा जाए परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें हर महीने और हर सीजन के लिए अलग अलग तरह से इसका हमारा संस्कृति है। तो इसे आज के इसी बहुत में जो मणिपुरी परफॉर्मिंग आर्ट्स का आर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करें तो बहुत समय टाइम और चाहिए। आज के यही भविष्य में अगर जो मौका मिला तो मैं और डिस्टिंक्टली और डिस्क्राइब करूंगा। आज के ये पहला दिन में मैं मणिपुरी परफॉर्मिंग आर्ट्स का संबंध में कुछ बोल रहा हूँ। मणिपुर में हम लोग ये 6 ऋतु हैं। 6 ऋतु में, हर ऋतु में मणिपुर में परफॉर्मिंग आर्ट्स का ये फेस्टिवल त्यौहार होते हैं। हम लोग लीजिए, पहले अप्रैल, ये गर्म काल में अप्रैल अप्रैल से शुरू होकर लहराव हुआ फेस्टिवल करके यहाँ पर होता है। तो लहराव हुआ में, ये लहराव हुआ जो होता है एक मणिपुर में, हम लोग मणिपुरी नाच के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे तो हम लोग दो भाग में कर सकते हैं। हिंदू धर्म प्री वैष्णवाइत पेरेड, मणिपुर में दो तरह की धर्म होते हैं, पहले वैष्णव धर्म आने से पहले और बाद में 18 सेंचुरी 15 सेंचुरी के बाद ये वैष्णव धर्म हिंदू
हिंदू धर्म आसार पर आने के बाद हम लोग सॉरी मैं यहाँ पर बंगाल में बहुत दिन रहने के बाद ये बांग्ला भाषा में बहुत अभ्यास हो गया, तो कभी कभी हिंदी में बांग्ला आ गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मेरे हिंदी भी इतना नहीं है, फिर भी चलेगा। मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स कर मैं सबके पास में हमारा इसको कम्युनिकेट करने की मैं कोशिश करूँगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम लोग थोड़ा लेते हैं मणिपुर में खुलंग ईसाई, पहले वैष्णवाई धर्म आने के पहले हम लोग चर्चा करते हैं उसके से थोड़ा हम लेते हैं। खुलंग ईसाई फोक सॉन्ग, पेना ईसाई, पेना यदि ओल्डेस्ट स्ट्रिंग यहाँ पर वहाँ के पते स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इस तरह की इंस्ट्रूमेंट राजस्थान में भी, जब मैं राजस्थान में आया था तब मैं भी देखा था पेना की तरह थोड़ा मॉडल थे, फिर भी उनका वे ऑफ सिंगिंग वेज पे भी पेना ईसाई पेना सॉन्ग है, इसके थोड़ा मिलजुल है। खुलंग ईसाई होते हैं जब मणिपुर का लड़कियां और लड़कों काम करने के समय मैदान में और खेत में खेती करने सार ये खेती के समय उसको थोड़ा आराम करने के लिए, उनका बहुत सारा दिन काम कर किया था वहाँ पर, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने अपने मन का बात को वहाँ पर गान करते हैं, इसको खुलंग ईसाई कहते हैं। पेना ईसाई मणिपुर में पेना ईसाई जो है पहले बहुत पुराना ये म्यूजिक है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर ये पेना ईसाई नैरेटिव आर्ट्स का कैटेगरी में पढ़ते हैं। यहाँ पर अब मणिपुर का मिथोलॉजी का पुरानी धर्म मणिपुरी आगे का धर्म जो है पूजा के समय राजा को उठाए भगवान को उठाने के समय इसमें भी ये इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। अभी तक मणिपुर लहरा हुआ फेस्टिवल में ये अभी चल रहा है। ट्राइबल डांस मणिपुर में तो बहुत, मणिपुर शुद्ध मैतई जाति नहीं है, मणिपुर में हर तरह की लाइक ए स्मॉल इंडिया कर सकते हैं। यहाँ पर हर जाति रहते हैं, यहाँ पर ट्राइब्स हैं 39 टाइप ऑफ ट्राइब होते हैं आदिवासी लोग, उनका अलग अलग से म्यूजिक है, उसका तो आज मैं इसके जगह पर चर्चा नहीं करूँगा। तापोर खोंगजोम परवा, इसको भी नैरेटिव आर्ट्स ये कंटेम्प्ररी कहानी बोलकर चलते हैं, गान गाना तरह तरह की म्यूजिक सुर में इसको गान करते हैं, गाना गाते हैं इसको नैरेटिव आर्ट्स। खोंगजोम परवा इसको भी मणिपुर में एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891 के बाद जब मणिपुर ब्रिटिश के हाथ में हरा गया था, उसी समय एक सब मृतियों का इसमें एक धोबी लेनों करके एक भाषोई ने इसका उन्हें म्यूजिक चाहिए, उनके देख देख कर एक सुर प्रस्तुत उपलब्ध हो गया, उसी को खोंगजोम परब करके कहते हैं, इसको भी आज तक प्रबल। लाइरिक भाई बथीवा स्टोरी टेलिंग वारी लीबा, इसको भी रामायण महाभारत और चैतन्य चरितामृत, इसको सब एक लाइरिक भाई बथीवा में एक ओझा एक सिंगर इसका संस्कृत भाषा में इसको वेराइटीज ऑफ ट्यून में वो गान संस्कृत का मंत्र उसका श्लोक बोलेंगे, और एक ओझा और एक आर्टिस्ट इस श्लोक को मणिपुरी भाषा में मैथिली भाषा में अनुवाद करके सबके पास में पहुंचा देते हैं। जमोन ये चैतन्य चरितामृत लक्ष्मी चरित्र तरह तरह की हिंदू धर्म आने के बाद एक लोता आते हैं। तरपो सुमांग लीला करके हम लोग भी जत्रा हैं, जत्रा वाली एक ओपेरा थिएटर भी रहते हैं, इसको भी हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। अगर आप मौका मिले तो मणिपुर में आने के, मैंने अगर ऊपर में बोला था सब तरह की ये हमारे कल्चर है संस्कृति म्यूजिक एंड डांस है, इसको देखने का मौका मिलेगा। मणिपुरी थिएटर भी, मणिपुरी थिएटर भी मणिपुर बहुत रिच है, इसका भी मैं डिटेल नहीं बोलूँगा। इसका भी रतन थियाम कन्हाई लाल ओजा इगो तोम्बी ये वाला हमका मणिपुर का अच्छे थिएटरिस्ट हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर है। मणिपुर नृत्य संकीर्तन ये पहले मैंने ट्राइबल डांस
और लाइहरोबा थांगता, यस थांगता भी है, इसको भी प्री हिंदू, हिंदू आने से पहले का हम देखते हैं, थांगता भी मणिपुरी मार्शल आर्ट्स थांगता। इसमें पहले के समय क्या होते था, हम लोग भी प्रैक्टिस करते थे, हम स्टूडेंट के समय डांस कॉलेज डांस अकेडमी में हम स्टूडेंट थे, तब भी हम लोग थांगता सीखने का मौका मिला था, ऐसे ऐसे गुरुओं से नाना रकम वेराइटीज ऑफ गुरुओं के पास से हम लोग ने थांगता सीखने का मौका मिला था। थांगता होता है मणिपुरी भाषा में, थांग माने तलवर, ता माने घोड़सा, तलवर स्पियर शॉर्ट एंड स्पियर डांस। ये पहले में ये मॉडर्न जो ये प्री एंग्लो मणिपुरी वार के समय में भी थांगता मणिपुर का हीरो जो है पेट्रोटिक हीरो जो, तो उसके हमारे पास में कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ थांगता के थांग और ता के यूज करके ब्रिटिश संगे युद्ध करते थे। तो आजकल युद्ध तो चला गया, तो हम लोग इसको हम लोग संस्कृति नाच डांस फॉर्म में लेकर हम लोग स्टेज में हमारा मणिपुर का थांगता का बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत बहुत आजाद गुरु हैं, उन्होंने का अच्छे अच्छे कलाकारों ने नए नए आइटम नए नए स्टेज परफॉर्मेंस बनाकर अभी बहुत मणिपुर इंडिया का और भारत वर्ष का जगह जगह पर हमारे मणिपुर का थांगता को प्रस्तुत करने का हम लोग बहुत मौका मिला है, और नए नए आर्टिस्ट उभरते हुए कलाकार भी बहुत आ रहे हैं। और ये जो है वैष्णव धर्म आने से पहले, हिंदू धर्म आने से पहले हम लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। आफ्टर 15th century जब मणिपुर में वैष्णव धर्म, रामानंदी धर्म और हिंदू धर्म शुरू हुआ, तब से मणिपुरी कल्चर में एक परिवर्तन आ गया। जैसे विष्णु वर्शिप का शुरू हो गया। अभी तक मणिपुर में जब आप मणिपुर में आओगे, तब का मणिपुर साउथ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ पर विष्णुपुर नाम करके एक मंदिर है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वो तो मणिपुर का सबसे पुराना मंदिर है। वहाँ पर हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग हमारे हिस्ट्री इतिहास बोल रहे हैं, जब मणिपुर में हिंदू धर्म का विष्णु पूजा होते हैं, वहाँ पर मणिपुर विष्णु पूजा करके ये आया था, यहाँ से अभी तक मणि विष्णुपुर नाम का हुआ है। उसके बाद हम लोग आया हिंदू धर्म आने के बाद मणिपुरी नृत्य संकीर्तन। मैं थ्योरी में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज समय भी छोटा है, तो थ्योरी बोल रहे का तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन कुछ करने का मौका नहीं मिलूँगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करूँगा। मणिपुरी नृत्य संकीर्तन आप लोगों ने बहुत मालूम होगा, मणिपुरी नृत्य संकीर्तन इंडिया में बहुत साउथ का कीर्तन है, बंगाल का कीर्तन है, बहुत वृंदावन में भी कीर्तन है, फिर मणिपुर के नृत्य संकीर्तन बहुत से अलग है। मणिपुर का नृत्य संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु के उसको वंदना करके उनको कीर्तन करके उन्होंने शुरू हो गया था। उसके बाद से भी मणिपुर नृत्य संकीर्तन का अभी तक बहुत चल रहे हैं। मणिपुर नृत्य संकीर्तन जाना जाए मणिपुर का ये जीवन जो है एक लाइफ सर्कल, जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक मणिपुर नृत्य संकीर्तन का आज तक मणिपुर का मैतेई जाति में मणिपुर जाति का घर में होता है। जैसे जब मणिपुर ये एक लड़का एक बच्चा जन्म हो गया, उस षष्ठी 100 दिन के बाद इसका पूजा होता है, षष्ठी पूजा, उसी समय में भी कुछ कीर्तन हम लोग करते थे। और हम 3 बरस हो गया उसको इसका चूड़ाकरण, इसको चुलकाते हैं और करण ये दूल पुराने पोते लगाते हैं, उसी समय में भी कीर्तन के हिसाब करते हैं। और विवाह के समय में भी जब विवाह होते हैं, वहाँ पर हरि संकीर्तन के साथ विवाह करके अच्छे मंगल की कामना के साथ विवाह होते हैं। जब मानुष मर जाते हैं, उसी समय में भी घर से शमशान संस्कार के लिए शमशान तक ले जाते हैं, उसी समय में भी नृत्य संकीर्तन गान करके हम लोग मृत्यु को ले जाते हैं। तब 5 दिन के बाद अस्थि संचय करें, यहाँ पर भी
हम लोग एक्त पूजा होते हैं, श्राद्ध कर्म में भी अष्ट नक्षत्र कीर्तन के साथ ये पूजा होते हैं। और वर्ष एक वर्ष हो गया, एक वर्ष होने के बाद एनुअल डेथ एनिवर्सरी हम लोग इसको फिरोई वा कुमोन करते हैं, उसी समय में भी नच संकीर्तन के साथ करते हैं। तो उसी तरह हमारा नच संकीर्तन मणिपुर में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैं कई जाति में, मणिपुर जाति में, अभी तक जब आप मणिपुर में आओगे तब मैंने अभी कहा था ये सब देखने का मौका मिल जाएगा। तो इसका नच संकीर्तन का अंदर से हम लोग ने अभी आजकल मॉडर्न ये स्टेज आने के बाद मांडव ट्रेडिशन से हम लोग कैसे इसको प्रोशनियम स्टेज में कैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आइटम के हिसाब में ले आते हैं। पहले हम लोग पुंग चोलोम आते हैं, पुंग चोलोम नच संकीर्तन के अंदर से पुंग चोलोम को हम लोग दो आदमी चार आदमी इसके हर समय इसका मणिपुर के एक हैं पियर पियर पुंग को कभी अकेले नहीं बजाते हैं, असली रियल पुंग चोलोम करने में मिनिमम दो जन बजाना होता है पुंग चोलोम। उसके बाद करताल चोलोम होता है, करताल जो है एक बड़ा एक बजाने का सिंबल, इट काइंड ऑफ सिंबल यूज इन द मणिपुरी नृत्य संगीतन करताल। तापो उसके बाद मंडिला मंडिला चोलोम, मंडिला इट स्मॉलर वन साइज इज वेरी सिमिलर विद करताल बट द मॉडल इज सिमिलर विद करताल बट साइज इज स्मॉलर, इसको मंडिला कहते हैं। और खुबाक इसे मणिपुरी भाषा में क्लैपिंग जो है इसको खुबाक करते हैं हम लोग। नच संकीर्तन करताल के अलावा हम लोग खुबाक ताली बजाकर गान गुण ईश्वर का गुणगान करते हैं, इसको हम खुबाक इसे कहते हैं। इसी तरह संकीर्तन का तो मृत्यु का समय में हो गया, खुबाक इसे मंदिला चलम अभी मैंने बोला था ये वाला भी ये यूज करने का, इसका भी परफॉर्म करने का अलग अलग से समय होता है, अलग अलग से फेस्टिवल त्यौहार में होते हैं। जैसे हम लोग मणिपुर में ढोल ढुलक चोलोम इसको भी संकीर्तन का अंदर में नच संकीर्तन का अंदर में आते कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग आते हैं हम लोग फेस्ट ये इस तरह थोड़ा परफॉर्मिंग आज का भराई ये सारा हो थोड़ा थोड़ा बहुत है इसको मैंने थोड़ा प्रोशनियम स्टेज में आज तक बाहर के मणिपुर के बाहर के ऑडियंस के ऑडियंस ने देखने का मौका मिला है, इसको मैंने नाम इसको लिया है। इसके सारा वो अगर मणिपुर से अलग अलग छोटा 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 और परफॉर्मिंग आज अभी तक भी चल रहा है। मणिपुर में अप्रैल से शुरू होकर जनरली जून जुलाई तक लाइहराउबा फेस्टिवल होता है। लाइहराउबा फेस्टिवल में हम लोग माइबी करके माइबी नाम के एक देवदासी हम लोग देवदासी करते हैं, पुरोहित देवदासी साउथ में देवदासी जैसे भगवान ठाकुर के साथ उसको उसका माइबी के माध्यम से पूजा करने का उनके बात करने का माध्यम होता है इसको माइबी होते हैं। लाइहराउबा में हम लोग माइबी का बहुत महत्व है। तो अभी लाइहराउबा फेस्टिवल में हम लोग लाइहराउबा फेस्टिवल जो होता है यहाँ से मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने का मैं कोशिश करूँगा। अभी इतना ही मणिपुर परफॉर्मिंग आर्ट्स का इंफॉर्मेशन कुछ तो मैंने आपके पास में रखा है, इसके अलावा भी डिटेल्स रहने का भविष्य में मौका मिलेगा और एक एक लेकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अभी रिमेनिंग समय जो है मैं थोड़ा सा मणिपुरी नृत्य मेरा जो है आई एम इन मणिपुरी डांसर मणिपुरी क्लासिकल डांसर एंड मणिपुरी डांस टीचर। तो मेरा सब्जेक्ट में अभी आऊँगा बाद में क्वेश्चन आंसर में आप लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स का अंदर में नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन पूछना चाहते हम लोग ले लेंगे। हम लाइहराउबा का बारे से शुरू करते हैं। मणिपुर का प्री वैष्णवाइट पेरेंट जो है इसका हम लोग लाइहराउबा बोलते हैं मणिपुरी भाषा में। यहाँ तक थोड़ा एक शब्द में इंक्लूड करूँगा नाच करने से पहले। मणिपुरी भाषा में जगोई एक मॉडर्न भाषा है,
मॉडर्न भाषा आने से पहले इसको सुकोई बा सक्कोई बोलते हैं। सक्प माने मणिपुरी में सल सल कर, मणिपुरी में आप देख सकते हैं जब मणिपुर फिजिक बेसिक स्टेप सिखाने शुरू होते हैं क्लासिकल डांस साली परे भांगी परे लहराओ फेस्टिवल में भी माइपी जो है देवदासी माई माईबी उन्होंने लिट करके लहराओ को पूरे लहराओ को उन्होंने करते हैं परफॉर्म करते हैं उसी समय में भी चलते चलते ही परफॉर्म करते हैं तब तो इसलिए लिटरेरली साहित्यिक भाषा में हम लोग करते हैं सत्प माने वर्किंग जगोई चतन चतन जगोई शावर चलते चलते नाच करते हैं इसको हम लोग मॉडर्न भाषा में जगोई चतकोई से जगोई आ गया है। इसका भी एक बहुत रोमांचक कहानी है। जब पृथ्वी बहुत सृष्टि हुआ था उसी समय परमात्मा हम लोग आई थिंक गुरु जी देखो बोलते हैं उन्होंने उनके दो शिले में मणिपुर को एक मणिपुरी पुराण का बात कर रहा हूँ उसी समय पृथ्वी को ये सृष्टि करने के लिए आदेश दिया था। उसी समय बड़े भाई ने जब पृथ्वी सृष्टि शुरू हुआ था तब छोटा भाई ने बड़े भाई को बाधा दिया था तो बड़े भाई ने परमात्मा को आई थिंक को गुरु जी देव को बोला मैंने ऐसे सृष्टि शुरू हुआ मेरे छोटा भाई ने बार बार हमको बाधा देता है हम इसको पूर्ण काम इसको संपूर्ण काम नहीं हो सकता है। उसी समय गुरु ने अतिया गुरु शीदव ने अतिया गुरु शीदव ने उनका दाएं तरफ आंख से एक सुंदर देवी उसका प्रस्तुत किया निकाला उसका जो है नाम जो है नोंगथांग लेमा। नोंगथांग लेमा ने गुरु को बोला पूछा मेरे आदेश दीजिए मेरा काम क्या है तो उन्हें बोले देखो अब ये बड़े भाई सना मही ये अशीब जो है उन्होंने पृथ्वी सृष्टि हो रहा है उसको बार बार उसको छोटो भाई बता दे रहा है उनका ध्यान को आकर्षण करने की इसको ये भान से आकर्षण करके उसको ये पृथ्वी को सृष्टि करने का मौका दियो। आगे गुरु का आज्ञा मिलकर नोंगथांग लेमा ने आकर ये हराब लेथिंगा जो है छोटो भाई का ध्यान को चित्र किया तो उसी समय उनको उन्होंने नोंगथांग लेमा ने चलते चलते ये गान किया नाच किया उसी से मणिपुरी नाच का चतकोई अभी मॉडर्न भाषा में जगोई ये कथा था ये बात का उत्पत्ति हुआ था। इसीलिए ये जगोई मणिपुरी नृत्य मणिपुरी भाषा में मणिपुरी जगोई इसके बाद में यही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो चर्चा करेगा तो बहुत लंबा है इसका कभी खत्म नहीं होगा। मैं अभी आता हूँ माइबी नृत्य माइबी जो है मणिपुरी लहराओ को मैंने भी पहले बोला था मणिपुरी लहराओ त्योहार फेस्टिवल का उनका लीडिंग डांसर और उनका लाइक देवदासी ऑफ साउथ इंडिया उन्होंने जब पृथ्वी सृष्टि माइबी अभी दिखाने जा रहे हैं इसमें हमारे एक छात्री हमारे छोटो यंगेस्ट छात्री है या पेंडामिक में हमारा आजकल सब क्लास हमारे गुरुकुल में ठीक से क्लास नहीं हो पा रहे हैं वो हमारे क्वार्टर के पास में बहुत नज़दीक हैं तो मैंने बोला आज भी थोड़ा उसको हेल्प करो उसका मैंने उसको अभी माइबी नृत्य दिखाएगा मेरा साथी जो है नम्रता और पंताग नाम है मिथाई अभी प्रस्तुत करेंगे तो माइबी दो सृष्टि होता है उसी समय माइबी का हस्तक जो है मुद्रा में मणिपुरी सृष्टि का भाव जो है सब आएगा। हम लोग ये माइबी जो है हाथ के ताली देकर और ये करते हैं ये ऐसा वाला एक्टर थोड़ा पे आपसे प्रस्तुत करूँगा लहराऊंगा प्री वैष्णव भाई करके आगे से एक्टर में सेलेक्ट करता हूँ माइबी नृत्य लेकर नम्रता आप आइए
नम्रता के नाच के लिए मैं थोड़ा एकॉम्पलिश करूंगा। रसोदे में हम लोग इसको ढोलक करते हैं। ये हिंदू धर्म आने से पहले हम लोग लांगदेन करके बजाते थे। हिंदू धर्म आने के बाद ढोलक आ गया। मेरा अभी इसी मेरे पास में लांगदेन नहीं है। अगर मणिपुर में होता और अच्छी जगह होता मैं सब मेरा मिलती हूँ और मेरा स्टूडियो मेरा दिल लेकर आपको दिखाने का मौका भविष्य में समय मिला तो मैं दिखाऊंगा। आज के लिए मैं ढोलक अभी मॉडर्न प्रश्नियन में भी मणिपुर में जा जाते हैं ढोलक से ही ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं। अभी दिखाते हैं माइपी लाइसिंग जपो। Thank you.
रजत जी मेरा साउंड ठीक से आ रहे हैं ना? ठीक है ओके ओके ये हुआ हमारा वैष्णव धर्म प्री वैष्णवाइट पैरट ऑफ डांस कैटेगरी लायहराउ से मैंने एक आइटम लिया था। ऐसे ही ज्यादा बोलते रहेगा तो पब्लिक जो व्यूअर जो है वो भी थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसलिए बीच बीच में मैं ले लूंगा। उसके बाद हम लोग लायहराउ फेस्टिवल में तरह तरह की हम लोग वो करते हैं। लायहराउ मणिपुरी जाति में मणिपुरी जाति में बहुत इम्पोर्टेंट जो है हम लोग माना जाता है, क्योंकि लायहराउ में मणिपुरी जाति मैतेई जाति का उत्पत्ति होने का सृष्टि उसके बाद खेती करना हार्वेस्टिंग प्लॉगिंग ताको हम लोग कपड़ा कैसे बनाने के हाउ टू कंस्ट्रक्ट तपाको कैसे जीवन के फिर हम लोग धारा निभाने के संस्कार को कहते सब जो है मणिपुरी जाति का मनुष्य जो है ह्यूमंस ऑफ सिविलाइजेशन जो है उसका मणिपुरी लायहराउ में आप देख सकते हैं। अगर आपको मणिपुर में आएगा तो अभी अप्रैल से शुरू होकर जून जुलाई तक मणिपुर का हर जगह पर मणिपुरी लायहराउ फेस्टिवल चलते हैं। तो अभी तो पेंडामिक लास्ट ईयर से शुरू होकर हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी ठीक तरह से हम लोग इसका फेस्टिवल नॉट ओनली दिस जो हर मंदिर में भी हम लोग जाने का नहीं मिल रहा है। ये तो हम लोग शुद्ध मणिपुरी जाति का नहीं है, ये तो सारा पृथ्वी का जो है ये तो हमारा इसको इसलिए हम लोग देखने का मौका तो मिलता है नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लायहराउ में हम लोग जो है यहाँ पर तरह तरह के मणिपुरी मैंने भी बोला था मणिपुरी सृष्टि का समय में भी मणिपुरी नाच का समय समय पर अध्याय अध्याय पर कैसे कैसे उत्पत्ति हो गया। तो हम लोग ने मैंने पहले बोला था सृष्टि के समय नोंगथांगलई में वो देवी का उन्होंने हराबा को माइंड डिट्रेक्ट करने को कहा था, वहाँ से चगोई का शुरू हो गया। उसी समय से हम लोग ने जरा हम लोग नृत्य चर्चा करते हैं, हम लोग मणिपुरी नृत्य का ये इतिहास जो में हम लोग माना जाता है उसी नोंगथांगलई का नृत्य को हम लाश्य माना जाता है। और हराबल इथिंगाई जो है सोतो भाई का उन्होंने भी उनका गान सुनते सुनते बॉडी मूवमेंट किया है यहाँ पर किया है, उसी को भी हमारा गुरुओं ने तांडव नृत्य का भाग लेते हैं। इसी तरह से लेकर आज तक मणिपुर में टू टाइप्स ऑफ डांस स्टाइल इन द लास्ट स्टाइल इज ओरिजिनेटेड बाय द नोंगथांगलई and the tandem style, the masculine dance style, the originated by the Haraba Nitingan. यहाँ से हम लोग आते हैं। तो हम लोग मणिपुरी भाषा में जगोई पुराने भाषा में हम लोग I am coming to the practical way besides the theoretical way. हम लोग मणिपुर का पुरातन जो है हम लोग माइबी में भी यूज किया था, हम लोग लेशी जगोई कहते हैं मॉडर्न भाषा में चुमछा चगो लैशी लैशी माने मणिपुरी भाषा में लैशी लई माने लैपा द क्ले मट मट्टी क्ले शिव माने इट्स अ ट्रेन टू द सो हम लोग विश्वास करते हैं जब सृष्टि के समय देवता जो है परमात्मा से माटी पृथ्वी को जब पृथ्वी सारा पृथ्वी पानी ही पानी था उसी को हम लोग कैसे भरने के लिए कैसे करते हैं तो हम लोग परमात्मा ने ऊपर से क्ले देते हैं माटी कीचड़ देते हैं इसको लेते हैं और देवियों को सात देवियां को सेवन पांडवी को देते हैं वो लोग इसको जमीन पर ये जल में पानी में फैलते इसको बहुत
पृथ्वी हमारे संसार जो है एक तो बन गया, ये हमारे मणिपुरी पुराण में नृत्य डांस हिस्ट्री में हम तो इसको वी कॉल दिस we call this tang. This is leshi jagol. Leshi means plating, collecting the clay and hand over to the devi, to the goddess. तो इसी तरह तो हम लोग लाइनिंग धो बोलते हैं. The gods, gods are playing dancing like that. So this is the very purified movement. पहले हम लोग इसको हम लोग बुझा जाए हम लोग ने हम ले सकते हैं कलम मान कर सकते हैं. देखो हम लोग माँ से माटी लेते हैं क्ले लेते हैं क्ले देते हैं क्ले देते हैं क्ले देते हैं तो पांचवी भी जो है वह भी ले लेते हैं. This when you go to the village site, unrefined movements you will find. अभी तो हम लोग बहुत ये बहुत ये हाथ तक आने के लिए बहुत समय लग गया था. हजार हजार ईयर आने के बाद ये पहले तो बहुत वेरी सिंपल. व्हेन यू गो टू द विलेज साइड यू विल फाउंड दिस टाइप ऑफ हैंड जेस्चर वेरी सिंपल. द वुमेन दे विल डांस लाइक दिस लाइक हाउ. सो आफ्टर क्लासिकल क्लासिफाइड मेनी रिफाइनमेंट ऑफ द मूवमेंट दिस मूवमेंट नाउ इट इज वुमेन विल डांस लाइक दिस एंड जेंट्स. Okay, like this. So from that moment, from Lahadawa, this is Sacha Boy, we call this Samprajakti or Samprajupi. So if we dance by the Zens, like this, लाइक दिस हमारा लहराव जो है लहराव का मेन हस्तक जो है हैंड जेस्चर लक्षी जगोई और चुमसा जगोई और दिस इज संप्राहेपी एंड दिस मूवमेंट ऑल्सो यूज. ओके लाइक दिस वी हैव डिफरेंट मूवमेंट. So like this, we Laharoba is continue still also continue after 15th century after the entry existence of the Hindu Vaishnava. There is a new trend is called with Nat Sankirtan Rasa Lila. तो हम लोग Nat Sankirtan में पुंग चोलोम होते हैं. तो पुंग चोलोम के बारे में मैंने बहुत बोल दिया. Nat Sankirtan का इसका मुख्य instrument है पुंग. So, I am very different. I can play pung dholok Rajiv Babu. आप तो मालूम है जब मैं राजस्थान में आया था मेरे टीम मेरे स्टूडेंट मैंने ही बजाकर प्रोग्राम करते थे. तो पुंग जो है मृदंग इसको मणिपुरी नृत्य संकीर्तन में बहुत इस्तेमाल करते हैं व्यवहार करते हैं और मणिपुरी क्लासिकल डांस में भी यूज करते हैं. तो अभी थोड़ा पुंग छवि पुंग हाउ टू प्ले और कैसे होते आवाज में सबके सामने थोड़ा दिखाऊंगा. उसके बाद मैं क्लासिकल डांस का भी थोड़ा आऊंगा. दिस कॉल मनाओ मरु
इसी तरह हमारा पुंग जो है, हमारा पुंग वादक नच संकीर्तन में इस पुंग को लेकर मूवमेंट्स करते हैं, डांस करते हैं, इसको हम लोग पुंग चोलोम करते हैं। मैं तो डांसर हूँ, बजा सकते हैं, हम इतने चोलोम नहीं कर सकते, थोड़ा इसका पोस्चर तो दिखा सकता हूँ, तो अगर मौका मिले तो नेक्स्ट टाइम में करूँगा, आज के तो मेरे विषय नृत्य में आऊँगा। इसे आने के बाद हम लोग नच संकीर्तन है, उसके बाद राजा श्री भगत चंद्र 18th century 18th शताब्दी के समय राजा श्री भगत चंद्र ने मणिपुर में राज किया था, उसी समय मणिपुरी रास नृत्य का शुरू हुआ था। तो मणिपुरी रास के बारे में हम कहते हैं, मणिपुर में 5 प्रकार के रास होते हैं, इसमें से 5 में से 3 मणिपुरी श्री श्री गोविंद जी मांडव में परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तिथि अलग अलग दिन से, और 2 जो है ब्रिटिश शासन आने के बाद तैयारी हुआ था। मणिपुर का ब्रह्म सभा जो है, उन्होंने तब के राजा ने भी 2 तो उन्होंने समय से शुरू हुआ करके बहुत भेदभाव रहते हैं, 2 रास्ता मणिपुर गोविंद जी में करने का मौका नहीं दिया था, इसलिए सिर्फ बाहर में आते हैं। पहले रास होता है कुंज रास, महारास, वसंत रास, ये जो है कुंज रास आश्विन पूर्णिमा जो अक्टूबर का हम लोग आश्विन पूर्णिमा में होते हैं, महारास कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा दिन में गोविंद जी में रहते हैं, इसको महारास कहते हैं। महारास का भी अलग से कैसे महार क्यों महारास बोला है, महारास लीला बोला है, इसका भी अलग से थ्योरी है। यहाँ पर श्री कृष्ण शुद्ध ओनली नॉट एक कृष्ण, यहाँ पर एक कपि एक श्याम होकर, जैसे धंधिया रास होते हैं राजस्थान में, उसी तरह भाव यहाँ पर कृष्ण ने 100,000 ऑफ गोपियों के मन की इच्छा को करने के लिए उन्होंने अपने आत्मा अपने शरीर से 1,000 कृष्ण उत्पत्ति करके उन्होंने खेला था, यहाँ से उसी कारण से भी महाराज होते हैं। ये सारा भी राधा और गोपी का अहंकार जो है उसको भी खत्म करने के लिए श्री प्रभु गोविंद जी श्री कृष्ण ने रूप लिया था, उसको महाराज लीला में देख सकते हैं। और दूसरा जो है वसंत रास, वसंत ऋतु जो है असल में तो होली का समय होना था, मणिपुर में होली अलग से होते हैं, फिर जब वसंत रास होते हैं तब चैत्र पूर्णिमा, चैत्र का पूर्णिमा में वसंत रास को मणिपुर गोविंद सिंह का में होते हैं। और उसी समय में तो वसंत रास में तो होली खेल रंग खेलने का, और यहाँ पर वसंत रास में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, मणिपुर का वसंत रास और वृंदावन और बाकी राजस्थान और गुजरात का वसंत रास में थोड़ा बहुत से फर्क है। वृंदावन और महाराष्ट्र सौराष्ट्र और ये राजस्थान का होली में तो कृष्ण के साथ आनंद लेकर होली खेलते हैं, मणिपुर का वसंत रास में तो होली भी खेलते हैं। यहाँ पर एक अध्याय है जब कृष्ण जी ने चंद्रावली के साथ नाश किया था, उसी बात को लेकर राधा ने मान किया, मान करके यहाँ पर उसमें भी गीत गोविंद का अंश अंश से भी कुछ अंश है वहां पर, स्मरल गरल खंदन मम शीर शीर मंदन देहि पद पल्लव मुदारम, जय जय गीत गोविंद जय देव कवि का महाकवि जय देव कवि का, इसका जो है ये हमारा वसंत रास में यूज करते हैं। तो हमारा गुरुजन और हमारे पूर्व का गुरुजनों ने ऐसे भाव बताया, तो महाराज तब का राजा महाराज भगत चंद्र मिलेगा। होली तो हम सब जगह पर वृंदावन होली करते हैं, तो हम ऐसे एक होली वसंत रास चाहिए ऐसे अलग तरह से थोड़ा अलग हो, तो उसी समय अभी ये तब का गुरुजनों ने ये खंडिता का एक जगह उसको वहाँ पर लगाया था। तो फिर गुरुजन महाराज ने किया, ये होली के समय में तो सब आनंद रहते हैं, होली के मतलब ये शत्रु भी एनिमी भी वो आनंद करते हैं, उसी समय राधा कृष्ण को दुख मान कैसे रखोगे, तो इसीलिए ठीक है हम लोग होली के दिन में होली ही खेलेंगे। तो चैत्र पूर्णिमा
नेक्स्ट मंथ में अप्रैल का मास में महीने में चैत्र पूर्णिमा में वहां पर हम लोग बसंत ऋतु को बसंत रास खेलेंगे। तब तो महाराजा का इच्छा भी पूरी होगा और हमारा ये राधा कृष्ण का भाव में भी हम लोग इसको कोई दिक्कत नहीं होगा करके चैत्र पूर्णिमा दोल पूर्णिमा को छोड़कर चैत्र पूर्णिमा में मणिपुरी का श्री श्री गोविंद जी में ये वसंत रास का किया था। आप लोग ने मणिपुर में अगर आने का मौका मिला तो वसंत चैत्र पूर्णिमा में आप जरूर ये वसंत रास देखिएगा। और अगर आप नवंबर में आए तो कार्तिक पूर्णिमा में आकर महाराज देखने का मौका आनंद लीजिएगा। और अगर अक्टूबर में आए तो अश्विन पूर्णिमा में आकर कुंज रास वेरी सिंपल है, वहाँ तो ज़्यादा वैरायटीज ऑफ देखने का अलग नहीं है, जैसे खंडिता वसंत रास का खंडिता महाराज का एक को श्याम उसका नहीं है, वेरी सिंपल कुंज रास है, उसको भी देखने का मौका मिलेगा। ये सारा हो नृत्य रास जब मणिपुर में ब्रिटिश ने शासन हो गया था चंद्रगिरि महाराज ने, तब ने एक मणिपुर का राजकुमारी बोर साहेब ओमी सनातोमी बोरो साहेब माने तब को इंग्लैंड ब्रिटिश लोग को बोरो साहेब करते हैं, उनके साथ मणिपुर के राजकुमारी राज का नाम विवाह हुआ था, उनका नाम आज तक सनातोमी करके नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने उसी नृत्य रास में लीडिंग डांसर का रोल लिया था, इसीलिए उन्होंने तब का ब्रह्म शहबाज ने वो नृत्य रास को गोविंद जी मांडव में दिखाने का मौका नहीं दिया। बंगला साहेब में गवर्नर तब का गवर्नर का बड़ा मंडल मांडव बनाकर वहां पर हुआ था, ये तो वो नृत्य रास। उसके बाद अफ्तर बुद्धचंद्र महाराज बुद्धचंद्र के समय में दीवा रास करके एक रास भी शुरू हुआ था, वो दीवा दिन में खेलते हैं इसलिए उसको दीवा रास कहते हैं। इसी तरह से मणिपुर में 5 तरह की प्रकार की रासलीला होते हैं। यस नाउ कम टू द पॉइंट एट क्लोज, एक घंटा 1 आवर हो गया, मैं क्लासिकल डांस प्रैक्टिस पे थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। हम लोग मणिपुरी क्लासिकल डांस सीखने के लिए हम लोग लहराओं का तो अलग से हो गया, लहराओं बोले शीज बोल चमराओं की हो गया, क्लासिकल डांस सीखने के लिए हम लोग ने साली परिंग इज द बेसिक फाउंडेशन स्टेप्स ऑफ मणिपुरी क्लासिकल डांस। अगर आज के ये जूम वर्चुअल में भाग ले रहे हैं सभी छात्रों छात्रा मणिपुरी डांस को अगर इंटरेस्ट रहते हैं, आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में मेरा सबसे ये मेरा चैनल है, यहाँ पर एकदम ओनली फॉर बिगिनिंग लर्नर्स के लिए मैंने पेंडामिक पहले दिन तो मैं पेंडामिक में सारा दिन घर में रहते हैं क्या कर सकते हैं भावकर, मैंने मेरा भाई अभी ये नम्रता का पिताजी है, हम लोग ने मिलकर उनका उनके फैमिली के साथ मिलकर हमने वीडियो बनाया गुरुकुल की तरफ से, ये मणिपुरी बेसिक स्टेप्स ऑफ मणिपुरी क्लासिकल, जहाँ पर साली परिंग देखने का आप लोग हर आज भी एक आप लोग एवरी संडे आप नए कुछ देखने का मौका मिलेगा, आप लोग मेरे यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। साली परिंग कम टू द प्लेस साली परिंग इज द बेसिक फाउंडेशन स्टेप टू लर्न मणिपुरी क्लासिकल डांस। यहाँ पर हम लोग लहराओ में करते हैं लशी जगो, उसी तरह हम लोग साली हित हित ता भेन ता भिन ते ता हित ता भेन ता भिन ते इसी तरह जानला खुले। यहाँ पर लाइट चला गया इसलिए वो मुश्किल हो रहा है, साली परिंग जो है मैंने बहुत
चाली सीखने के लिए हम लोग तो तरह तरह के हम लोग यहाँ पर मतलब थोड़ा उनसे कुर्बानी देते हैं। तो हम लोग हाथ को पहले हाथ दिखाते हैं, इसको ऊपर सब एक ही बराबर होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है, पास में नहीं आना है, ऐसे रहेंगे। और हिन तीन ता खिता हिन ता हिन तीन ता ये तो होते हैं हाथ। और इसके साथ स्टेपिंग होते हैं 1 2 3 4 इट इज फॉर तांडव चाली। हिल देते हैं इसको तांडव है। जब लड़कियां फीमेल स्टाइल करते हैं तो फुल हिल के बदले हिन तीन ता खिता धेन ता बेंडिंग होते हैं, किक नहीं रहेगा। हिन ती ता खिता धेन ता लाइक दिस, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। हिन ती ता खिता धेन ता हिन ती ता खिता धेन ता अखाई लोग से फ्रॉम लेफ्ट धिन खर खर तां खर खर तां ता गिनर गिनर धे गिनर गिनर धे ता 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 खिता धेन ता 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 खिता धेन ता। This is the second step. Third step, ta 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 kita din ta ta din din ta. Again changing, din kada kada tam kada kada tam tam gindra gindra de gindra gindra de din de kada ta de din ta din de kada ta din ta din 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 ta din de din kada kada tam kada kada tam ta gindra gindra de gindra gindra de like this. फ्रंट भी भी टाइप का फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप मूवमेंट फॉर वन हैंड, थर्ड स्टेप मूविंग टू साइड बाय साइड 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइक दिस, देन अगेन अकाई वन, देन फ्रॉम फोर टर्निंग ऑफ हाफ सेमी सर्कल हाफ सर्कल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 like this half half turning, this is a 4 like that। धीरे 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 हम लोग इसका movements को आगे बढ़ते हैं और grow करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साली परे। like this we have 27 style of साली परे। हम लोग यहाँ पर 15 तक हम लोग तरह तरह के मूवमेंट होते हैं, 16 से हम लोग कंपोजिशंस ऑफ डांस होते हैं, इसको हम लोग पुंगलोन जगोई कहते हैं, पुंगलोन जगोई। तो लाइक दिस 27 तक साली दिस कॉल्ड आठ मात्रा 1 2 आठ मात्रा तीन तीन ताली 1 खाली 1 2 3 4 5 6 7 आई 1 2 3 4 5 6 7 8 ta ki ta like this, and we have tanshyo at matra 1 with 1 khali 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 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 like this. Then we have 6 matras of menko. 1 2 1 menko is similar with the dadra of Bharatanatyam. Tak ki ta tak ki ta tak ki ta. Din din ta din 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 cha pan shot. Okay. This is in this 6 matra how we move Manipuri. The Manipuri mein ऐसे 6 मात्रा के मूवमेंट वेरी स्लो एंड स्लोनेस मूवमेंट ग्रोथफुल मूवमेंट हिन तीन ता हिन तीन हिन तीन ता हिन तीन हिन तीन ता 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 हिन
सॉफ्टनेस मूवमेंट स्पेशली लास्ट मूवमेंट में हम लोग कोरियोग्राफ करते हैं तांचो एक तो एंजॉय एक तो आनंद होने का गिनती तक देखिन दे गिनती तक देखिन दे गिनती तक देखिन दे गिनती इसी रिदम में तो हम लोग तरह तरह की तांचो में भी गिनती तक देखिन दे 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 गिनती Like this, different, हम लोग कर सकते हैं. रजत जी, हेलो, कंटिन्यू रखिए, मजा आ रहा है. रजत जी, हाँ बहुत मजा आ रहा है. यहाँ पर करें करें भी चला गया यहाँ पर तो क्या पब्लिक एंजॉय हो रहा है क्या आगे करना है क्या कुछ नहीं आगे कंटिन्यू रखें मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ओवर का भी तो समय रहेगा ठीक है इसी तरह हमारा क्लासिकल डांस जो है सीखने का हम लोग इसको इसी तरह बहुत बेसिक एलिमेंट्स जो है स्टेप जो है तरह तरह की एक साली परिंग आठ मात्रा तांचब आठ मात्रा एक ताली एक खाली मेनकुप छ मात्रा एक ताली एक खाली तीन ता किन तीन तीन ता भर नत में तक कित एक आसे उसी समय में हम लोग धा तीन न नत धा तो उसी में हम लोग वैरायटीज मेनकुप अथोलबा धिन तक 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 ता धन धन this moment ta tra din ta kin tin ta tra din ta kin ta tra din ta kin tin ta kin din dang kin ta ta kin din dang kin ta 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 kin kin din ta krang ta krang din ei bhabe hum log isi tarah hum log menkup ka bhi hum log istemal karte hain aur tanchab at matra mein to variety so many hai to yahan par bhi hum log ek ta इसके बाद में कृष्ण राज से मेरा अभी वो माइक भी दिखाया था नम्रता उनका भी कृष्ण का एक्टर वो दिखाऊंगा उसके बाद में एक अभिनय अभिनय प्रसन्न से मैं दिखाऊंगा हम लोग वसंत राज का कृष्ण अभिशार से एक्टर थोड़ा सा एक्टर आइटम एक्टर थोड़ा सा कंपोजिशन दिखाने जा रहा हूँ वसंत रास जब कृष्ण गोपियों को देखने के जाते हैं वसंत ऋतु वसंत के पूर्णिमा को देखकर तो वो मन में उद्दीपन विभाव हुआ कृष्ण गोपियों को देखने के उसके बाद उन्होंने पर्णमाला पहनकर हाथ में नूपुर पहनकर उन्होंने वन की तरह तरफ वो यात्रा करते हैं उसी भाव को है कृष्ण अभिशार में गान हम लोग पुराने में ब्रजबली भाषा में जो होते थे तो आजकल मणिपुर में अपनी भाषा अपनी भाषा के ध्यान में रखते हुए मणिपुरी भाषा में हम लोग इसको गान करते हैं शायद शायद रजत जी ने तो हजार बार सुना होगा जब मणिपुर के तीन आने के समय वसन सुखद रजनी नव नागर श्री कृष्ण बनमाला अबर पर मेरे पास गायक भी नहीं आया मैं भी गान करूंगा और मैं ही बजाऊंगा और अभी देखते हैं प्रस्तुत करते हैं कृष्ण अभिशार फ्रॉम वसंत रास स्वागत ऐसा करके जाना है इस तरफ से ओके समझ ठीक है
यस हिमद जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज
बहुत अच्छा था हेमंत जी, पर वो थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज की प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज नहीं आ रहा। वॉल्यूम कम है सर। कमिंग। हेलो, अभी नहीं आ रहा आवाज, कुछ बंद हो गया। कैसे हो गया? सुन रहे हो? नहीं सर। सुन, सर आप बिना ईयरफोन्स के ट्राई करें एक बार। अब वीडियो भी रुक गया आपका। सुन पा रहे हो? हेलो, अब आ गई आपकी आवाज, आ रही है, आ आ गई? गई आप। ओके ओके। अभी तक करेंट नहीं आया, जनरेटर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फोन पे तो मेरे आ गई है। अच्छा, ये हुआ हमारा वसंत राशि एक्ट, सॉरी सॉरी, खमी गना खमागनी व्यूअर्स, यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। करीब हम लोग 1.5 घंटा हो रहे हैं, तो दिखाने के लिए कहने के लिए तो बहुत हैं, तो हम लास्ट में मेरे तरफ से थोड़ा अभिनय का पोर्शन थोड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद मेरे डेमोन्स्ट्रेशन का लास्ट अंत पोर्शन रहूंगा। कैसे रहोगे अजीब जी, रजीब जी? हाँ ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग साली परे करके बेसिक स्टेप जो परिवृतांश हम लोग सिखाते हैं, उसके बाद भंगी परेण करके, दिस इज अनदर ग्रामेटिकल वर्ड, ग्रामेटिकल व्याकरण की तरह हम लोग 5 भी भंगी परेण होते हैं। यहाँ पर हम लोग 3-4 फीमेल स्टाइल, 2-4 टांडव स्टाइल करके देखते हैं। ये भंगी का पोर्शन मां आज मैंने दिखाऊंगा। हम लोग इसी तरह चाली परेण सिखाने के बाद हम लोग अभिनय प्रश्न सिखाते हैं, जैसे गाने के साथ हम लोग कैसे अभिनय करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, इसी तरह हम लोग करते हैं।
तो हम लोग राष्ट्र प्रसंग से मैं एक राधा अभिसार के प्रसंग से एक एक टुकड़ा गान लेता हूँ। मेरा स्वर्गीय गुरु तरुण कुमार का एक रचना है, सुंदर से गान है, इसको ताल है बैंकुट में। जब राधा रजत जी मेरे आवाज आ रहे हैं? आ रही है। ओके ओके हाँ। जब राधा राधा या अभिसार के लिए आते हैं जाते हैं तब उन्होंने बाकी सखियों से कहा, चोरी चोरी चुपके चुपके हंस गति की तरह हम लोग अभिसार जाएंगे, आप नोपुर खोलो, खुजी नाची बाला बेंगल का आवाज नहीं होना है, नोपुर भी खोलना है, आश्रम भी बांध कर रखना है, हम लोग धीरे धीरे चुपके चुपके चोरी चोरी करके हम लोग अभिशाप जाएंगे। इस अभिनय को ताल मैन को छय मात्रा एक ताली एक खाली के धिन इसी तरह हम लोग राधा चोरी चोरी चुपके चुपके हंस गति की सड़क पर हम लोग जाएंगे, चोरी बाला खोलो, नोपुर खोलो, आसल में बांधा, गुरुजन परिजन सुनबे सुना जाबे, नोपुर खोलो आसल में बांधकर लोना लोना चोरी चोरी चुपके चुपके हम लोग जाएंगे। इसी तरह है ये सुंदर से अभिशाप का ऐसे रहते हैं। अगर मौका मिला तो म्यूजिक के साथ नेक्स्ट में भी हम दिखा सकते हैं। इसी तरह हम लोग तरह तरह की गीत गोविंद और तरह तरह की रासलीला और महाभारत से द्रौपदी स्वयंवर सीता स्वयंवर और कल्पना इसी तरह 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 की कहानी में ऊपर में हम लोग कंपोजिशन करके इसके मणिपुर एलिमेंट्स को लेकर कहीं कहीं मार्शल आर्ट स्थान का कुंग चोलोम पड़ताल चोलोम को मूवमेंट लेकर हम लोग कंपोजिशन करते हैं। इसी है मणिपुरी क्लासिकल डांस का और
ये है और अलग से है मणिपुरी डांस का अलग से। हम लोग अभी तक मंदिर में परफॉर्म करते हैं, लहरा हुआ मंदिर में करते हैं, रासलीला मंदिर में करते हैं। हम लोग ओनली प्रोशनियम स्टेज क्लासिकल डांस फॉर्म सोलो ट्वे आने के बाद और फेस्टिवल जो है इसमें प्रदर्शन करने के समय हम लोग थोड़ा ट्रेडिशन से बाहर थोड़ा सा आते हैं माने रासलीला करने में हम लोग सब समय हम लोग करते हैं, सामने रहते हैं, इसका भी भाव है। और हम लोग लड़कियों का प्रेस में भी हम लोग सादा कपड़े रहते हैं, इसका भी हमारा महिलाओं का हम लोग जो है इसका भाव दृश्य भाव को हम लोग रखने के लिए मंदिर के सामने करने के महाराजा के सामने गुरुजन के सामने परफॉर्म करने के समय इसका अट्रैक्शन को भाव को भक्ति भाव को रखने के लिए हम लोग ने रासलीला में हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग सोलो डांस और इसको हम लोग अभिनय भी ज्यादा करते हैं, इसको थोड़ा अलग से मांडव में करते हैं, मांडव ट्रेडिशन अलग से रहते हैं, स्टेज मारते रहते हैं। इसी तरह मणिपुर का भी वैरायटी शो ताल वैरायटी शो इसमें करके मणिपुरी डांस तक अभी सभा ने इसको प्रसिद्ध है, सबने मालूम हुआ है। इसी के साथ मेरे डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर खत्म करता हूँ, नियरली 1.5 आवर्स हो गया। तो अगर इजाजत है तो रजीव जी मैं यहाँ पर आज का मेरा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, आपका परिचय नहीं हुआ, आप रजीव जी का बेटी हैं? मैं उनकी बेटी हूँ। आपका शुभ नाम? चिरमी, चिरमी आचार्य। चिन्मोई? चिरमी, चिरमी आचार्य। जी सर। आप भी परफॉर्म भरतनाट्यम परफॉर्म करते हैं? जी सर। हाँ, पिताजी ने बोला अगर मौका मिले तो एक दिन जरूर देखूंगा। बिल्कुल सर, अभी तो आपको देखते रहने का मन कर रहा था। आपको भी, आपकी स्टूडेंट को भी बहुत बहुत थैंक यू कि ये सब इस टाइम में भी हमको इतना लाइव एक्सपीरियंस मिला मणिपुर की परफॉर्मिंग आर्ट्स देखने का, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माइक पापा को देना चाहूंगी ताकि वो आपको धन्यवाद दे सके। ठीक है, ठीक। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपके आचार्य कुलम की माध्यम से तरफ से मैं ये इन्वाइट किया। और पहले नॉट ओनली राजस्थान में मेरे बहुत पुराने दोस्त लोग हैं, उसको भी जरूर शायद देखे होंगे, तो अगर देख सके तो बहुत अच्छा रहेगा। सर आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जरूर देखते हैं, पेंडामी तो खत्म करो, उदयपुर जयपुर अभी तक आंख बंद करने में सुंदर अभी तक मेरे मन में है। जी सर। हाँ, सब रिकॉर्डिंग किया है। हाँ हिमंत जी, ऐसा लग रहा था कि ये सेशन चलता रहे, इतना आनंद आ रहा था। मणिपुरी नृत्य तो हमने कई बार देखे हैं, पर आप जैसे कई सारे कलाकारों से मुलाकात करने का मौका भी मिला, उनको स्टेज पे देखने का मौका भी मिला, लेकिन उसके पीछे का जो पक्ष है, उसका जो ग्रामर है या उसकी जो उसके पीछे क्या अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे रूबरू होने का या उनको समझने का या उनको उनके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो मंच पर कैसे आ रही है उसको समझने का आज हमें मौका मिला। मैं जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, अगर उनके मन में कोई प्रश्न जागा हो। जरूर जरूर जरूर, मैं इतना तो जानता नहीं हूं, फिर भी मेरा पास में इतनी है जानकारी होते हैं, आपके साथ में बांटने में शेयर करने में चाहूंगा। कोई प्रश्न करता है? रजीत जी, ये जी हमारे दोस्त दादा विलास जी, विलास कैसे हैं? वो बढ़िया हैं, अच्छे हैं। आज आज के मीटिंग में अगर ज्वाइन होता और अच्छा रहता। और अदिति मैडम कैसे हैं? अदिति मैडम अभी है बहुत
अदिति किताब कब ये डायरेक्टर थे ना वेस्ट जोन कल्चर सेंटर का? हाँ अभी है, जिंदा है? हाँ हाँ बिल्कुल है सर। अच्छा अदिति किताब आप विलास जी और एक क्या था ना भूल गया सब बताया, तीन तीन तो तीन नाम अभी तक मुझे मालूम है। मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं जा रहा क्योंकि आपने इतने बढ़िया तरीके से बात को समझाया है और मणिपुर की जो कलाओं के बारे में, वहाँ के नृत्यों के बारे में, जिनको अब तक देखते आ रहे थे उनको समझने का मौका मिला है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक विशेष धन्यवाद मैं माघा भाई का भी करता हूँ, माघा माघा जिनकी वजह से ये आज का कार्यक्रम यहाँ हम लोग मिल पाए। जरूर 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 जरूर, मेरा छोटा भाई माधव। आपसे मेरा संपर्क नहीं था बहुत दिनों से, आपका कोई फोन नंबर भी मेरे पास में नहीं था, लेकिन उनकी वजह से मुझे ये मिला और आज वो उन्होंने ही अरेंज किया कि ये हम लोग। आभारी हूँ उसका, माघा के बहुत बहुत आभारी हूँ। माघा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। आगा भाई कुछ बोलेंगे? मुझे लग रहा है वो पर्दे के पीछे रहकर ही अरेंज करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। फिर भी मेरे तरफ से मैं भी बात करूंगा, फोन मैंने नंबर सेव कर लिया है, फिर भी आप रिप्लाई दे दीजिए। मेरे तरफ से मैंने बहुत आभारी हूँ आपका। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कुलम की तरफ से, राजस्थान की तरफ से और उन सारे नृत्य प्रेमी कला प्रेमियों की तरफ से जो इस आज हमारे साथ में जुड़े हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी का सिलसिला आगे बढ़ता रहे, मणिपुर पे भी चर्चा करें और आज ये जो नई शुरुआत हमने की है एक एक राज्य की संस्कृति को, वहाँ के नृत्यों को जानने की, तो अगले क्रम में हम और दूसरे राज्यों को भी हम लेना चाहेंगे। एक दो राज्यों से बात चल रही है तो संभावना है कि निकट भविष्य में हम और राज्यों की लोक कलाओं के बारे में, वहाँ के नृत्यों के बारे में, वहाँ के संगीत के बारे में जान पाएंगे। ओके, पुनः धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको सुनकर, आपको देखकर। जरूर जरूर जी का बहुत बहुत खुरुम जरी हमागनी। मैं मुझे स्वागत में तो खुरुम जरी बोलना आता है, विदा में क्या बोलते हैं ये मुझे काइनरशी, मैं विदा लेना नहीं चाहता। काइनर अमुकुनशी, फिर देख लेते हैं, फिर देखा फिर मिलेंगे अमुक उनरसी, फिर मिलेंगे। हाँ फिर मिलेंगे माने अमुक उनरसी, अमुक उनरसी, अमुक उनरस। सभी और जो इस सेशन में जुड़े हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको आनंद आया होगा और अगली कड़ियों में हम दूसरे राज्यों की लोक कलाओं के साथ में, वहाँ के नृत्यों के साथ में आपके साथ में एक बार फिर जुड़ेंगे, जुड़ना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज जितनी संख्या में लोग आए हैं उससे और ज्यादा लोग। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत आभार, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने दिया है हमें, अमित कुमार साहब से मिलवाया है, आपका बहुत बहुत आभार, आगे भी ये श्रृंखला जारी रहे, बहुत बहुत आभार। हम यही विराम दें, सभी दर्शकों को भी मैं अगर अंत में भी नमस्कार करता हूं। अगर मेरे हिंदी इतना अच्छी नहीं थी फिर भी मैंने कोशिश किया था मेरे राज्य का संस्कृति के बारे में आप तक के पहुंचाने के लिए। कुछ भूल भाल जगत कुछ हुआ गलत हुआ फिर भी क्षमा कीजिएगा।
कला की कोई भाषा नहीं होती हेमंत जी, जरूर तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है वो, उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं होती वो तो अपने ठीक। फिर मुलाकात करेंगे और ओके okay. okay. मैं लिप करता हूँ ठीक है ओके okay. एंड करें मीटिंग।